अच्छा हम पढ़ रहे हैं पेस्ट। पेस्ट जो होता है ना, वो कीड़े मकोड़े जो भी होते हैं उसको हम पेस्ट कहते हैं। एक होता है पेट्स, एक होता है पेस्ट। पेस्ट मतलब वो होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जो पेट्स जो होते हैं ना, जो से कुत्ता बिल्ली वगैरह जो पालते हैं वो पेट्स में आ जाते हैं। लेकिन ये पेस्ट है, पेस्ट कीड़े मकोड़े हशरात वगैरह जो होते हैं इसको हम पेस्ट कहते हैं। तो पेस्ट कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे कर लेते हैं? क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा कि वो किचन लाइनों में बहुत सारे कीड़े आते हैं, कॉकरोचेज आते हैं, फ्लाइज आते हैं वगैरह वगैरह, इसको रोकने का तरीका क्या है? वो क्यों आते हैं? क्योंकि इनका जो सेंस जो होता है वो बहुत तेज़ होता है। अगर फूड मिलो दूर भी है तो यहाँ से सेंस कर जाता है और वो चल जाते हैं। इससे बचने के लिए सफाई लाजमी है, किचन की प्रॉपर सफाई आपकी लाजमी है, तब जाके ये पेस्ट कंट्रोल होता है। और वीकली बेसिस पे इसमें फ्यूमिगेशन भी होना लाजमी है। फॉलो कर दें मेरी बात को, थैंक यू। अच्छा इसमें होता है पेस्ट कंट्रोल, प्रॉपर स्टोरेज एंड रेगुलर पेस्ट कंट्रोल आर नेसेसरी बिकॉज पेस्ट ट्रांसमिटेड जर्म्स एंड स्पॉइल्ड फूड। पेस्ट आर अंडर अनडिजायरेबल फॉर एनी फूड बिजनेसेस, नॉट ओनली कैन दिस स्प्रेडिंग डिजीजेस, दे कैन आल्सो फाइंड देयर वे इनटू फूड स्टफ। वो उनको पता चलता है कि भाई यहाँ पे माल पड़ा हुआ है, यहाँ पे फूड आइटम है और वहाँ चले जाते हैं। वो दोनों मूल जो है ना, उसके खास का जो चिमटी जो होती है उसकी यहाँ पे ना वो दो क्या कहते हैं एरियल एंटीनाज होते हैं, वो सेंस कर जाते हैं। वो आपने देखा होगा जिधर भी हो आपके घर में कहीं पे अगर आपके रोटी के टुकड़े गिरे हो ना तो चिमटियाँ ऐसे आ जाते हैं, इतने दूर से वो सेंस कर जाते हैं, उसकी सेंसर इतना बड़ा तेज होता है। तो उसके बाद दे कैन ऑल्सो फाइंड देयर फूड स्टफ, दे एविडेंस ऑफ पेस्ट इज अ कमांड रिसर्च फॉर एनवायरमेंटल हेल्थ ऑफिसर्स हैंडिंग आउट फाइंस। जब कोई भी अदारे का जो ना किसी भी मुल्क में उनके अदारे होते हैं जो कि क्या कहते हैं, जैसे फूड अथॉरिटी वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में फूड अथॉरिटी वाले वो आ जाते हैं, अगर आपके किचन में इस तरह का कोई कॉकरोच वगैरह निकला तो आपका रेस्टोरेंट आपका होटल सील करवाते हैं। वो किस वजह से होता है? वो एक शेफ की नेग्लिजेंसी की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर चीज़ नहीं देखी, आपने अपनी सफाई नहीं देखा, आपके किचन में कीड़े मकोड़े घूम रहे फिर रहे। क्यों, किस वजह से? क्योंकि आपका किचन गंदा है इस वजह से, ठीक है। अच्छा कंट्रोल पेस्ट थ्रोली प्रिवेंटिव मेजर्स एंड रेगुलर पेस्ट कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन। वो डेली बेसिस पे सफाई लाजमी है और बल्कि वीकली बेसिस पे आपने एक फ्यूमिगेशन का भी अमल रखना है। जैसे कि आप कोशिश करें कि किसी भी नॉर्मल डे में वर्किंग डे ना हो, जैसे कि मंडे जो होता है ना, मंडे वर्किंग डे होता है, इसलिए होटल बिजनेस थोड़ा स्लो होता है। जैसे कि फ्राइडे सैटरडे संडे ये पीक पे होता है, संडे के बाद मंडे अचानक वर्किंग में आ जाते हैं और लोग घरों में ज़्यादा खाना खाते हैं, तो होटल इंडस्ट्री की वो जो बिजनेस जो है थोड़ा सा नीचे होता है। उस दिन आप कर लें उस दिन, ताकि वो जल्दी बंद कर दें, फूड एरिया सारा कवर करके किचन धुल जाती है, उसके बाद आपने एक दफ़ा फ्यूमिगेशन लाजमी करवानी है, ठीक है। मॉनिटर फॉर एनी साइन ऑफ पेस्ट ऑफ फॉर्मेंट्स, आपने जो है उसको मॉनिटर करना है कि कहाँ कहाँ चिमटी है, कहाँ कहाँ ये वर्मिन जो कीड़े हैं, ठीक है। वर्मिन कैन बी कंट्रोल बाय द एलिमिनेटिंग ब्रीडिंग स्पेसिस एंड फूड सोर्सेस। रेगुलर पेस्ट इंस्पेक्शन एंड कंट्रोल आर एसेंशियल पार्ट ऑफ द क्लीनिंग रेजिम। नेवर यूज स्प्रे और केमिकल्स वेयर द फम्स और spy must could come in contact with their profession area, those equipments or food stuff. आपने जो अपने जो कटिंग एरिया होता है, जो टेबल्स वगैरह होते हैं, उसके ऊपर इस तरह की केमिकल का नहीं करवाना, क्योंकि ये जो स्प्रे वगैरह जो होता है वो जो जो हमारे हैवी इक्विपमेंट्स होता है उसकी बॉटम और फ्लोर के बीच में आपने स्प्रे करवाना है, टेबलों के ऊपर ना कर दें। जो फ्यूमिगेशन वगैरह होते हैं उनको प्रॉपर टीच करें कि आपने यहाँ यहाँ फ्यूमिगेशन करना है, लेकिन वो प्रोफेशनली उनको पता चलता है, वो कॉन्ट्रैक्ट उनके काफ़ी लगी होती है, वो दूसरी जगहों पर फ्यूमिगेशन करके वो यूज हो जाते हैं और वो उन जगहों को ऊपर नहीं करते हैं जहाँ पे
आप प्रेप कर लेते हो, उनको पता चल जाता है। लेकिन फिर भी बीइंग ए शेफ यू आर रिस्पॉन्सिबल, आपको बताना पड़ेगा कि नो ये यहाँ पे आपने स्प्रे नहीं करनी है, आपने सिर्फ इस तरह बॉटम कॉर्नर में स्प्रे करनी है। और उसके बाद नेवर यूज स्प्रे। अच्छा, फूड स्टफ कमांड पेस्ट आर, जो पेस्ट जो होते हैं जिसमें पहला होते हैं फ्लाइज, यानी मक्खियाँ होती है, कॉकरोचेज। फ्लाइज फ्लाइज इसलिए क्योंकि फ्लाई जो है ना जाती है गन पे बैठ जाती है और वहाँ से बैक्टीरिया लेके आती है आपके फूड के ऊपर बैठ जाती है, तो वो क्या करता है आपके फूड को कंटेमिनेट कर लेता है। एक पहला ये है फ्लाई है, उसके बाद कॉकरोच। कॉकरोच इसलिए क्योंकि वो क्या करता है, वो जो भी खाता है मुँह से वॉमिट करते हुए चलता है और जहाँ जहाँ खा कर वॉमिट करता है वहाँ बैक्टीरिया फैलाते हुए जाता है, तो उससे क्या होगा आपका जो भी आइटम्स है वो कंटेमिनेट हो जाएगा। उसके बाद वो है माइस, जो माइस माइस को क्या कहते हैं, चूहे से एक छोटा होता है जो जिसके नाक थोड़ा लंबा होता है, छछुंदर। उसके बाद रेड्स, रेड्स जो है चूहे, ये जाहिर सी बात है गटर में भी घुसते हैं, हर जगह घुसते हैं, और रात को जब आप लोग प्रॉपर उसकी हैचेस बंद नहीं करोगे वहाँ से आप फूड आइटम्स में आ जाएंगे और वहाँ से सारा गंद फैलाते हो जाएंगे, क्योंकि सारा बैक्टीरिया कहाँ पर होता है, गटर में। चूहा कहाँ पर होता है, गटर में, और वो गटर से सारा बैक्टीरिया ला के आपके एरियाज के ऊपर फैला के चला जाता है, ठीक है। उसके बाद होता है बर्ड्स, बर्ड्स खासकर जो पिजन वगैरह पालते हैं ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि ये भी कीड़े मकोड़े खाते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो ना उनके साथ इतना मतलब घर में बिठाना वगैरह ये चीज़ें कर लेते हैं, तो इन चीज़ों को घोंसले भी बनाते हैं, इनको परे करना चाहिए, ठीक है, ये ठीक नहीं है। उसके बाद बर्ड्स के बाद होता है पेट्स, पेट्स जो चूहे चूहे कह रहा हूँ, जो बिल्ली कुत्ते वगैरह नहीं पालते हैं, क्योंकि ये भी जो ना गंद बदा में मुँह डालते हैं और वो आके आपके खाने पीने के बर्तनों में मुँह डालते हैं, तो उससे भी जो ना आपका फूड वगैरह वो कंटेमिनेट हो जाता है। तो इन चीज़ों से होशियारी के लिए आपने हर एक चीज़ को बिल्कुल अलग रखना है, प्रॉपर वॉश करें। आपने अगर पेट्स को हाथ भी लगाया, प्यार किया, उसके ऊपर हाथ फैलाया, तो आप फौरन हाथ वॉश कर लें, ठीक है। तो आप लोगों ने ये रेगुलरली अपने सोच विचार रखना है, आपने वही हाथ किसी गंदे गंदे हाथ किसी और से भी मिलाया तो वो बेचारा आपके चक्कर में वो भी बीमार हो गया, ठीक है।